मेरे पीछे में देखिए, क्यों देख रहे हैं? ये है दोस्तों पतरातू वैली। चलो तो मिलते हैं, ठीक है? फिर आते हैं तो मिलते हैं, पटना आओ तो भेंट करो। सो फाइनली आनंद के यहीं कॉलेज पे रुके हुए थे हम लोग, रात में यहीं स्टे किए थे। तो अभी जो है वो फिलहाल हम गोलू साथ में निकल रहे हैं और वापस पटना की तरफ पतरातू वैली होते हुए। चलो मिलते हैं, बाय बाय। सो फाइनली निकल गए हैं यहाँ से। सुबह अभी तो नहीं है, करीब 10:30 बज रहा है और थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि एक ऑफिस का काम था, उसको निपटाना था। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्टाइल में। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज जो है ना वो एक ऑफिस का छोटा सा काम है, उसको निपटाना है और फिर जो है वो पतरातू वैली चलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज चलने वाले पतरातू वैली। और पतरातू वैली अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर कंटेंट पूरा देखिएगा। ज़बरदस्त वैली है पतरातू वैली और झारखंड का वन ऑफ द फेमस वैली में आता है पतरातू वैली। तो आज हम लोग वहीं चल रहे हैं और घुमाते हैं आप लोग को पतरातू वैली। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोग को अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आएगा। क्या हुआ? इधर से भी तो रास्ता है ही, हम लोग इधर ही से आए थे ना, सीधे हम लोग इधर ही से आए थे ना। तो फाइनली रिंग रोड के थ्रू होते हुए जा रहे थे और पतरातू जो है यहाँ से 30 किलोमीटर है, पटना है 320 किलोमीटर। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेने वाले हैं और चलने वाले हैं पतरातू वैली। और मौसम जो है ये भी थोड़ा धूप छा हो रहा है। तो चलते हैं पतरातू वैली, आप लोग को घुमाते हैं। आई होप सो कि आप लोग को मज़ा आए क्योंकि पतरातू वैली हम बहुत बार जा चुके हैं बट मन नहीं भरता है। जब आते हैं तब पतरातू तो जाते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ का जो बात वैली है ना और जो रोड है और जो व्यू है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से जाते हैं पतरातू वैली। तो चलते हैं हम लोग पतरातू, करते हैं थोड़ा रिफ्रेश होते हैं और आप लोग को भी थोड़ा घुमाते हैं। आई होप सो कि आज का व्लॉग जो है ये अल्टीमेट बने और आप लोग को मज़ा आए। बस हम लोग रिंग रोड से कट गए हैं और रिंग रोड से कट के पतरातू की तरफ टर्न लेने वाले हैं। तो यहाँ से पतरातू का डिस्टेंस जो है वो करीब 30 किलोमीटर दिखाया जा रहा है। चलते हैं, राइड को कंटिन्यू करते हैं और जहाँ से वैली व्यू जहाँ से स्टार्ट होगा ना वहाँ से आपको व्लॉग दिखाएंगे। तो घाटी वाला रोड का जो फीलिंग है वो जहाँ से स्टार्ट है वैली स्टार्ट, प्लीज़ गो स्लो, तो यहाँ से है वो पतरातू वैली स्टार्ट। और पतरातू वैली जो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब 17-18 किलोमीटर का वैली है अगर पूरे वैली को देखा जाए तो। और जो व्यू पॉइंट है वो एग्जैक्ट 17 किलोमीटर पे है यहाँ से। तो वैसे ये जो मेरा बाइक है ये क्रूज़ बाइक है क्योंकि एवेंजर 220 क्रूज़ यूज़ करते हैं और लगेज भी लोड है, पिलियन भी है। बट कॉर्नरिंग करने में इस बाइक में मज़ा नहीं आता है, बट किसी हद तक थोड़ा मज़ा लेने के लिए तो थोड़ा कॉर्नरिंग कर ही सकते हैं। तो इस टाइप का रोड पे बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। मतलब अब तो जो है वो घाटी स्टार्ट होने वाला है और हम लोग जो है पूरा कॉर्नरिंग करने का मौका मिलने वाला है। वाओ, तो थोड़ा ये क्रूज़ बाइक है ना तो इसका क्या है कि रेडियस काफ़ी लंबा होता है तो कॉर्नरिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। वैसे मेरा तो हमेशा रेगुलर चलाते रहते हैं तो हैबिट हो गया है बाइक में, तो हम तो इस बाइक से भी कॉर्नरिंग कर लेते हैं। बट बहुत लोग जो नए राइडर होंगे या जो फर्स्ट टाइम चलाएंगे उनको कॉर्नरिंग करने में नहीं बनेगा इस बाइक से। तो कोई कॉर्नरिंग करने वाला कोई स्पोर्ट्स बाइक अभी अपने हाथ में होता मस्त आराम से एक नंबर, जैसे वो RC लेके जा रहा है आराम से कॉर्नरिंग हो पाता। ओहो, क्या बोलो, तुम आए हो यहाँ पहले? यहाँ पहले आए हो कभी? फर्स्ट टाइम आए हो? चलो अभी आगे बहुत, अभी 17-18 किलोमीटर ऐसे ही चलना है हम लोग को। ये लगेज जो के जो लोड है ना इसकी वजह से थोड़ा कॉर्नरिंग करने में एक साइड वेट ज़्यादा है और एक साइड कम है, ऐसा फील हो रहा है कि बैक का वेट जो है वो एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है। तो कॉर्नरिंग करने में थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो उस टाइप का नहीं हो रहा है। ओ वो 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 तो आपको बता दें कि आप लोग जो है ना इस ब्लॉग को पूरा कंप्लीट देखिएगा, मतलब यहाँ का व्यू जो है ना वो ज़बरदस्त है। मेनली आने का पीछे एक ही रीज़न होता है कि ऐसे जो बाइक चलाने का मज़ा है कॉर्नरिंग करके और जो व्यू है, जो वादियों यहाँ देखने को मिलता है वो ज़बरदस्त है। तो इसीलिए बस
आइए एंजॉय कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज़ का ध्यान रखिए कि मतलब जो आपका लेवल है, जिस लेवल का आपका राइडिंग है, आप अपने लेवल में गाड़ी चलाइए जिस टाइप का है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में गाड़ी नहीं चलाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अपने लेन में चलिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी हिली एरिया या कहीं भी नॉर्मल किसी भी जगह पे अगर राइड कर रहे हैं, आप अपने लेन में चलिए, 90% आप ऐसे ही सेफ रहिएगा, 10% वहाँ भी रिस्क है। तो यहाँ का जो व्यू है ना और जो रोड है वो तो एक अल्टीमेट लेवल का है, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ बाइक चला के। तो अभी तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। आई होप तो कि यहाँ का व्यू जो है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बट आपको बता दें कि ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी मेन जो व्यू पॉइंट है वहाँ चलने वाले हैं। वहाँ का जो व्यू देखिएगा ना वो गजब होने वाला है। मतलब अभी क्या है, लोग पतरातु वैली की तरफ चढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और जब व्यू पॉइंट आएगा वहाँ से फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो जो नीचे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना वो और भी अल्टीमेट है, मतलब ज़बरदस्त वाला है। बात करें तो हम लोग पहुँच चुके हैं पतरातु वैली, या दोस्तों देख सकते हैं आई लव पतरातु वैली, इसका साइन बोर्ड जो लगा हुआ है। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं पतरातु वैली, और यहाँ का जो व्यू है वो आप लोग को दिखाते हैं, क्या ज़बरदस्त मस्त वाला व्यू आता है यहाँ पे। चलो एक बार आगे से आते हैं घूम के, फिर यहाँ वापस आया जाएगा क्या। सो फाइनली जो है वो पहुँच गए हैं पतरातु वैली। ये मेरे पीछे में देखिए व्यू देख रहे हैं, ये है दोस्तों पतरातु वैली, ये व्यू है। और यहाँ पे बाइकर्स लोग के लिए तो अल्टीमेट जगह है, मतलब बाइकर्स लोग को बाइक चलाने का यहाँ बहुत लोग का तो ड्रीम होता है, ऐसा है पतरातु वैली। वैसे हम बहुत बार आ चुके हैं बट यहाँ आके बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, एक अलग रिफ्रेशमेंट होता है, वो चीज़ जो फील होता है ना वो अल्टीमेट है। तुम फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अभी तो पूरा पतरातु वैली देखे भी नहीं, मतलब पीछे में जो है वो डैम है। हाँ, वो डैम है। अभी और भी नीचे जाना है, मतलब और भी रोड है इस टाइप से पूरा जिगजैग, तो आपको एकदम क्लियर मस्त। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का रोड जो है पूरा नीचे तक है, और वहाँ पे है डैम, ठीक है। तो ये पतरातु वैली जो है, इसका अगर बात करें हम लोग पतरातु वैली, तो ये करीब रांची से जो है वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और हम जो है वो पतरातु वैली होते हुए हजारीबाग निकलेंगे और पटना की तरफ बढ़ेंगे। वैसे पतरातु वैली का ये जो ब्लॉग है ये सेपरेट ब्लॉग होने वाला है, उसके बाद एक और जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा वो रांची पटना ब्लॉग रहेगा। तो आज हम निकले हैं और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इवन पतरातु में हमको कितना टाइम हो रहा है, 12 बजने वाला है, तो 12 तो यही बज गया है। तो हम पटना कितने बजे पहुंचते हैं ये भी एक सवाल है, क्योंकि काफ़ी रात हो जाएगा पटना पहुंचते, और क्या कुछ होता है जर्नी में वो ब्लॉग तो एक सेपरेट रहेगा। और ये जो पतरातु ब्लॉग है ना, ये हम लोग अभी नीचे चलेंगे डैम के पास, और वहाँ कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। आप लोग अभी चलिए इस व्यू को इन्जॉय कीजिए मस्त वाला। अपना जो कैमरा है ना वो पीछे माउंट कर देते हैं, इस पे माउंट कर देते हैं, और आप जो है वो व्यू देखिएगा। वैसे आपको बता दें कि मेरा जो बाइक है वो ये है, पूरा लगेज लोड हो गया है। सो, इस वजह से क्या है कि ये क्रूज़ बाइक सुखे कॉर्नरिंग करने में नहीं पॉसिबल हो पाता है, मतलब उतने अच्छे से कॉर्नरिंग नहीं कर पाते। वैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक या होता ना तो ज़्यादा अच्छा कॉर्नरिंग होता, बट खैर कोई बात नहीं है, जो है वो बेस्ट है, और अपने पास जो है वही दुनिया का बेस्ट बाइक है। हम तो यही मानते हैं, जो मेरे पास है, आपके पास स्प्लेंडर हो या हायाबुसा हो, जो है वो बेस्ट बाइक है। तो इसी बाइक के साथ इंजॉय करते हैं और हमें मज़ा भी आता है। तो चलते हैं हम लोग और पतरातु पूरा घुमाते हैं, कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, और वो जो फ़ोटो है ना वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो AK बाइकर्स ब्रदरहुड के नाम से है, तो आपको वहाँ मेरा यहाँ का जो फ़ोटो है वो देखने को मिलेगा। और रांची ट्रिप का जितना भी वीडियो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉग।